हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू ME5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे ME5 यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जो करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, विच डील्स विद द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों जी हाँ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एडमिशन क्या होगा, जॉब्स और सैलरी के बारे में सारा कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे बच्चे आपने सुना होगा, इनफैक्ट आपके फैमिली मेंबर्स में भी कई सारे आपके जो सिस्टर्स ब्रदर्स होते हैं वो लोग MBA करते हैं, राइट, BBA करते हैं कई सारे फील्ड्स में, और बड़े बड़े कंपनीज में वो लोग काम करते रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में, उसी कोर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे द्वारा, विकास जी के द्वारा और हमारे अभिषेक जी के द्वारा, सारे के सारे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। देखिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड बैचलर डिग्री प्रोग्राम माना जाता है दोस्तों आफ्टर 12th। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना पहले से ही माइंड बना लेते हैं कि हम आफ्टर 12th जो है इस BBA डिग्री को करेंगे, उसके बाद हम MBA परस्यू करेंगे दोस्तों, राइट। सो ये BBA डिग्री जो है कैंडिडेट्स को एक डोर ओपन करता है, ताकि आप मैनेजमेंट फील्ड में काम कर सकते हैं दोस्तों। आप वेरियस एक्सपर्ट्स यहाँ पे सीख सकते हैं फॉर इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट, एंड विच इज एसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस मैनेजर्स, राइट। उसके बाद अगर आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएट एज ए MBA भी कर सकते हैं, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को सीखने के लिए, और गुड एंड ओरल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं दोस्तों इस डिग्री के ज़रिए से, ठीक है। एंड ड्यूरेशन कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आपको कई तरह के कोर्सेज देखने को मिलेंगे, राइट। तो आफ्टर 12th आप जो है स्कूलिंग के बाद आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ और साइंस में करने के बाद यू आर फ्री टू चूज़ अ BBA प्रोग्राम, ओके। और BBA जो कि मोस्ट पॉपुलर और वेल नोन कोर्स माना जाता है स्टूडेंट्स में, और कई तरह के स्पेशलाइजेशंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों, राइट। सो हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एक एक्रीडिएशन बॉडी है BBA के लिए, जिसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। सो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, बट हमारे इंडिया में जो है AICTE ये लोग संभालते हैं दोस्तों BBA का, राइट। एंड ये जितना भी स्टडी पीरियड है, स्टूडेंट्स किस तरह से सीखना है, बिजनेस प्लान, सारा कुछ जो है इन्हीं के जरिए से डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों। और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं BBA की बात करें तो टॉप कोर सब्जेक्ट्स तो यहाँ पे फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया, राइट। ह्यूमन रिसोर्स में आप कर सकते हैं BBA, इसके भी बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं। अकाउंटिंग हो गया दोस्तों, सप्लाई चेन हो गया। तो टॉप कोर सब्जेक्ट्स हैं BBA के, जहाँ पे आप अपने स्पेशलाइजेशन को हासिल कर सकते हैं। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए 10+2 तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ये तो बेसिक है। एंड उसमें आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे दोस्तों, राइट। और आपकी जो एज होगी वो 17-25 ईयर्स की होनी चाहिए इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। एडमिशन किस तरह से लेना है, क्या क्या एग्ज़ाम्स आपको देना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जान लेना ज़रूरी है। देखिए, एडमिशन जो है बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट दोस्तों, जी हाँ। जैसे आपने एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाते हैं, पर्टिकुलर जो अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, जो कि नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, जिसको रेगुलेट करता है AIMA, ओके। और इनके ज़रिए से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, वहाँ पर मेरिट लिस्ट निकल के आती है, तो मेरिट लिस्ट पे ही बेस आपका एडमिशन होता है दोस्तों। इसके अलावा भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि AIMA, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट होता है, IPU जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है, देर आर वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन जो कि टाइम टू टाइम आपको एग्जाम कंडक्ट करवाते रहते हैं, ताकि आप BBA, BCA इन सारे कोर्सेज में आप अपनी सीट को पा सकते हैं दोस्तों। अब रही बात अभी टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि BBA और MBA प्रोग्राम को ऑफर करते हैं हमारे इंडिया में। देखिए, आपने तो कई बार इनका नाम सुना होगा, जैसे इंजीनियरिंग में IITs होते हैं, उसी तरह MBA बिजनेस मैनेजमेंट में आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम IIM कहते हैं दोस्तों, ओके। ये भी बहुत ही फेमस होते हैं, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, राइट। तो इसी तरह आपको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, राइट, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, तरह तरह के ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं BBA और MBA प्रोग्राम में। इसके अलावा भी आपको हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक ना एक दो कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जो यहाँ पे BBA और MBA प्रोग्राम आपको ऑफर किया जाता है, राइट। तो जॉब्स एंड करियर्स की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको जो है कई सारे
अपॉर्चुनिटीज का डोर खुल जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स इट ऑलवेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी कंपनी दोस्तों। जी हाँ, लोअर लेवल से लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक सारा कुछ जो है कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट देखने को मिलता है दोस्तों। कई सारे ऐसे सेक्टर्स है जैसे गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर हैव वेरियस इंडस्ट्रीज, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, जो कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स पे काम करते हैं, राइट। एंड वहाँ पे आपको कई तरह के हायर पोजीशन पे भी, जैसे ही आपने MBA डिग्री कर लिया है तो आपको हायर पोजीशन डायरेक्टली आप रिक्रूट हो सकते हैं दोस्तों इन मेनी डिसिप्लिनस, और इनफैक्ट रिसर्च प्रोग्राम में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल्स की बात करें, देखिए फाइनेंस मैनेजर का जॉब प्रोफाइल रहता है आपको, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर रिसर्च का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर, ये तरह तरह के जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। एंड आपको रिक्रूटर्स की बात करें, देखिए बैंक्स हो गया, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिजनेस कंसल्टेंसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट एरियाज आप इसे कह सकते हैं, जहाँ पे आप एज ए BBA ग्रेजुएट और एज ए MBA ग्रेजुएट यहाँ पे आप काम कर सकते हैं दोस्तों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें, देखिए कई सारे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो MNC जिसे हम कहते हैं, जो अच्छा पैकेज आपको ऑफर करते हैं दोस्तों टू BBA ग्रेजुएट्स और MBA ग्रेजुएट्स। जो इनका जो इनिशियल पैकेज एज ए फ्रेशर की बात करें तो आपको मिनिमम स्टार्टिंग होती है 2-3 लाख पर एनम, ओके। जैसे ही आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होती है, ऐसे ही आप साथ ही साथ एकेडमिक बैकग्राउंड, आप MBA से हैं, हायर एजुकेशन से आए हैं, तो आपकी जो सैलरी पैकेज है वो 6-7 लाख पर एनम भी जा सकती है दोस्तों। तो BBA और MBA में भी बहुत फ्यूचर स्कोप है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। तो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ओवरव्यू ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरह से आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एडमिशन से जॉब्स हैं, सैलरी है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।